अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए तो कहीं ना कहीं भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत इस पॉलिसी पर या इस बात पर एकदम से बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पास्ट में अगर जो हिस्ट्री रही है उसको देखें, लाहौर जो बस यात्रा रही थी जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने बस से यात्रा की थी, उसके फौरन बाद ही जो हुआ था कारगिल वॉर हो गया था। तो जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है धोखा देने का, और भारत पाकिस्तान पे एकदम से भरोसा नहीं करेगा। जी ये स्टेटमेंट या ये पॉलिसी के अंदर ये जो पॉइंट है ये इसलिए पाकिस्तान लेकर आया है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम गोला बारूद खरीद सकें या हम जंग अफोर्ड कर पाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ये पहले भी हमें बहुत सारी चीजें कही गई है, हम इसके कोई यकीन नहीं करते। इनको चाहिए ये कि वो इस फजा को मोहब्बत, ताउन और एहसास के जज्बे से खत्म करें। आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं वो मेरे ख्याल से मत आती। हाँ, वो असल में मोदी जी फोन नहीं उठाते ना, मतलब मोदी जी फोन ही नहीं उठाते। मोदी जी फोन उठाएंगे तो बात करेंगे ना, तो खान साहब बताएं कैसे कि जी हम तो अगले 100 साल आपसे लड़ने नहीं वाले। और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान की जो पैदाइश है वो ही इस बुनियाद पे है। देखिए ना, हम इस वक्त एक्सपोज 100 इयर्स पीस मेंटेन रखना विद इंडिया, कैसा लगता है आपको कि मतलब क्या चीजें इसमें हैं? कोई मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर वहां की जो हुकूमत है उन्होंने कोई बात की है, कोई स्टेटमेंट आया इस हवाले से कि हाँ यार ये बात मतलब एक अप्रिशिएट किया हो, या कोई ऐसी बात की हो, या उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये पहले भी हमें बहुत सारी चीजें कही गई है, हम इसके कोई यकीन नहीं करते, क्या मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? फकर देखिए, अगर हम पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ऊपर बात करें और पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए तो कहीं ना कहीं भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत इस पॉलिसी पर या इस बात पर एकदम से बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पास्ट में अगर जो हिस्ट्री रही है उसको देखें, लाहौर जो बस यात्रा रही थी जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने बस से यात्रा की थी, उसके फौरन बाद ही जो हुआ था कारगिल वॉर हो गया था। तो जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है धोखा देने का, और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान की जो पैदाइश है वो ही इस बुनियाद पे है कि वो किस तरह से भारत विरोध की बुनियाद पे वो खड़ा हुआ है। जो भारत विरोध की बुनियाद पे अपनी पूरी पहचान कायम रखे हुए पूरी दुनिया में, वो भारत से दुश्मनी खत्म कर रहा है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है एकदम से, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर इशू की जो बात की है पाकिस्तान ने, की वो कश्मीर इशू को साइड रख के फिलहाल जो उनके बायलैटरल टाइज हैं या फिर अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति बनाने की, ना कि सिर्फ भारत बल्कि और पड़ोसी मुल्कों के साथ भी शांति बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सवाल फकर ये उठता है कि सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान पे एकदम से भरोसा नहीं करेगा, दूसरी बात कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि वो पहले, क्योंकि ट्रेड और बायलैटरल टाइज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे, और काफी चीजें महंगी पड़ रही हैं, एक्साइज ड्यूटीज और बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो दुबई के थ्रू अगर हम मेडिसिन की बात करें और बहुत सारी चीजों की बात करें तो वो दुबई इससे होकर जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो चीजें और महंगी हो जाती है। तो एक वजह ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन सारी चीजों को, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और सारी पूरी इकॉनमी लगभग ध्वस्त हो चुकी है, तो ऐसे में ये एक टैक्टिक भी हो सकती है कि पहले इन रिश्तों को बनाया जाए और जो ये टाइम बाइंग, एक्चुअली इसको बोलना चाहिए कि टाइम बाइंग टैक्टिक हो सकती है। अंबर, ऐसा नहीं है कि एक नई शुरुआत के तौर पे इसको, नहीं मेरी बात पूरी हो जाए जी, तो ये टाइम बाइंग टैक्टिक हो सकती है कि पहले वो अपनी चीजें बेहतर करें, हालात बेहतर करें, और उसके बाद वापस भारत से वही दुश्मनी वहीं के वहीं जो कि दूध कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि भारत ही नहीं बल्कि कोई भी मुल्क इतनी आसानी से पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेगा। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उसमें कश्मीर डेस्क है, तो क्या वो चीजें जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर उन्होंने यूएन और अलग अलग लॉबीज तैयार की हुई है, उनके विदेश मंत्रालय में कश्मीर लॉबी है, तो वो सारी चीजों का क्या? और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की जो पहचान है, जो पैदाइश है, वो भारत विरोध पर ही है,
तो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इतनी आसानी से भारत पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा, ये वाली बात आप कर रही हैं कि पाकिस्तान का मतलब जो पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक नैरेटिव है वो हिंदुस्तान के मुखालिफ है। दूसरा ये भी कि इसमें एक बात ये की गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई 100 ईयर्स तक नो हॉस्टिलिटी और बड़े ही एक पीसफुल माहौल रखने की, ट्रेड पॉलिसी को चेंज करके ट्रेड टाइज को दोबारा स्ट्रेंथन करने की बात की गई, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, जहां तक तो ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं वो मेरे ख्याल से मत आती, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था, और उसके बाद उसका पूरा एज एन सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट ये उसकी ड्यूटी थी कि सारा जो अपनी रिसोर्सेज हैं, अपनी अटेंशन है, वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन 75 साल ज़ाया कर दिए गए फजूल किस्म की आइडियोलॉजिकल वो क्या कहते हैं प्रायोरिटीज़ में, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के साथ एक परमानेंट वो क्या कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन में, अगर इस पॉलिसी को सीरियसली लिया जाए कि जी ये स्टेटमेंट या ये पॉलिसी के अंदर ये जो पॉइंट है ये इसलिए पाकिस्तान लेकर आया है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम गोला बारूद खरीद सकें या हम जंग अफोर्ड कर पाए, तो चलें कोई बात नहीं, आपको पता ही है ना, तो इस पर वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बातें जरा साइड में होकर कर लिया करें ना, हमें पता है। लेकिन बात सारी ये है कि चाहे रीजन कोई भी हो, चले मान लिया हमारे पास पैसे नहीं, वो तो शब्बर जैदी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया, फोन उठा ले। हाँ, वो असल में मोदी जी फोन नहीं उठाते ना, मतलब मोदी जी फोन ही नहीं उठाते, मोदी जी फोन उठाएंगे तो बात करेंगे ना, तो खान साहब बताएं कैसे कि जी हम तो अगले 100 साल आपसे लड़ने नहीं वाले, तो बिल्कुल क्योंकि वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो इसलिए खान साहब उनको ये मैसेज नहीं दे पा रहे कि जी मेरा तो अगले 100 साल झगड़ा करने का कोई इरादा ही कोई। कौमी सलामती जुड़ी है आपकी माशी खुद निसारी माशी ताकत पर, अगर IMF की शरायत मंजूर करके कड़वी गोलियां खा के अपने लोगों पे टैक्स लगा के और उनकी शरायत मान के हमने करना, तो फिर कौन सी सलामती है? देखिए ना, हम इस वक्त एक्सपोज हुए हैं।